सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द लेवल अप गेमर्स। एंड आज हमारे साथ एक शख्स है जिनको यूट्यूब की दुनिया में मोहब्बत का डॉक्टर कहा जाता है। मोहब्बत के मामले में बहुत, मतलब उतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, बस उनकी थॉट जो है ना, कतई जहर वाले हैं भाई साहब। तो चलो आज उनकी दो पंक्तियों वाले जो थॉट है ना वो सुनते हैं। प्रशांत जी, प्लीज़ कम आके अपना दो पंक्तियाँ सुना दीजिए हमारे ऑडियंस को। बिल्कुल। तो भाई लोग, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। सुनना के किस हाल में जिंदा हूँ ये सवाल तक नहीं पूछा। किस हाल में जिंदा हूँ ये सवाल तक नहीं पूछा। अरसे गुजर गए, किसी ने हाल तक नहीं पूछा। तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए, मोहब्बत का डॉक्टर प्रशांत मिश्रा। आपको बहुत सारी रोमांटिक और सैड शायरीज मिलती रहेंगी। अगर आप बेवफा हैं तो आपको और मज़ा आएगा, और मोहब्बत सुनते रहिए, देखते रहिए मोहब्बत का डॉक्टर प्रशांत मिश्रा। सो थैंक यू मिस्टर जी। एंड इनकी शायरी होते तक हमने एक बंदा निपटा भी दिया, तो इनको थैंक्स बोलेंगे। और शायरी अच्छी लगी हो तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और सामने हमारे साथ बंदा, और हम आज खेल रहे हैं सोलो वर्सेस स्क्वाड, जो काफ़ी टफ होता है सोलो वर्सेस स्क्वाड। और स्क्वाड ही है मेरे पास, और एक बंदा और आ गया शायद, कहीं से मार रहा बंदा, आई डोंट नो कहाँ से मार रहा। ओ भाई साहब, पीछे से पड़ रही है, सब साइड से पड़ रही है। स्कोप वाली मैटर जो है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ती है। सामने एक बंदा है, बट अपन रश नहीं कर सकते उसके पास। अपने पास मतलब इसकी भी एमओ नहीं है एसएमजी कि अपन रश कर लें। बंदा मेरे हिसाब से यहाँ से रश करने वाला है, बट देखते हैं इसकी बंदा रश कर पाता है नहीं पता। फिलहाल अपने हो चुके हैं 2 किल, अभी बंदे बचे हैं 43 विद हमको छोड़कर। और ये बंदा शायद मेरे हिसाब से रश करने, तो पहले इसका डैमेज नहीं था पहले से, और बंदा डैमेज। ओ भाई साहब, बंदा डैमेज मतलब 19 का, मतलब 90 का डैमेज था, और बंदा गया। चलो चाचा निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। सो गाइस, अभी हो चुके हैं हमारे अच्छे खासे 3 किल। स्टार्टिंग पे क्लॉक टावर उतर के हमने जहर मचा दिया, और जिस हिसाब से एक अच्छी शायरी 2 पंक्ति मिश्रा जी ने सुनाया वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग चाहते हैं और भी इस तरह की शायरी तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं। किसी का ब्रेकअप हुआ हो तो भी हम उसके ऊपर से कुछ शायरी बयां कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं। सो देखते रहिए लेवल अप गेमर्स, एंड उनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं डायरेक्ट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखूँगा। और फिलहाल हमें फोकस करना होगा अपनी गेम प्ले पे, बिकॉज यहाँ पे बंदे काफ़ी हैं यार, मतलब बहुत ज़्यादा। वो भाई साहब को देखो ऊपर से कहाँ मार रहे हैं, मेरे को इतनी डैमेज, आई थिंक मेरे साथ ना एक हेड शॉट मेरे को पड़ी है, और सामने बंदे हैं। तो पहले देखना होगा, क्योंकि मेरे पास मेडिकेट भी नहीं है, 0 मेडिकेट है। 0 मेडिकेट के साथ हम चल नहीं सकते भाई साहब, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। क्या पता इधर कोई मेडिकेट मिल जाए। चलो एक स्मोक मिल गया, आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ है यार। नहीं मुझे लगा ये ना मतलब वो वाली गन होगी, क्या तो कहते हैं वह, क्या नाम है यार इसके, एक और गन है नहीं, नहीं आई है अभी स्नाइपिंग की दुनिया पे, तो क्या है नाम उसका भाई साहब, ध्यान ही नहीं आ रहा यार। वुड पैकर है वो, वुड पैकर जैसे लगा था जैसे वो। तो गाइस एक मेडिकेट मिली मुश्किल से, एंड ये भी 0 पॉइंट पर कोई नहीं, अपन वो ले चुके ना भांग जिसे कहते हैं गांजा वांजा अपने फ्री फायर की लैंग्वेज में, उससे गांजा के तौर। मेडिकेट मिल चुके हैं यहाँ पे, और सामने यहाँ पे कार 98 भी, कार 98 है तो, बट कार 98 अपन लेंगे नहीं। और सामने बंदे, यहाँ पे फाइट तो हुई है भाई साहब, अच्छी खासी फाइट हुई है, बट उस फाइट के बीच में अपन को जाके मरना नहीं है। मरने से भी थोड़े ही जो बैकग्राउंड नॉइसेस को थोड़ा क्या अवॉइड करना ब्रो, क्योंकि जो सीन है ना रात का सीन है, और यहाँ पे कुत्ते हमारे इधर कुछ ज़्यादा ही है, तो वो भोंकने में लगे रहते हैं। तो और आसपास गाड़ियों की भी साउंड आएगी, आई होप ना आए, बट जिस हिसाब से मैंने माइक यूज़ किया हुआ है वो शायद काफ़ी अच्छी माइक है, बोयो का है भाई, ऐसे नो लोकल माइक तो है नहीं। तो कोई नहीं गाइस, अपन देख लेते हैं। और यहाँ पे फिलहाल 3 बंदे, मतलब 3 किल हो चुके हैं, और नेक्स्ट और कितने किल हो सकते हैं, लेट सी गाइस। यार बहुत दिनों से गेम प्ले भी नहीं हुआ, मतलब ये गेम प्ले भी ना एक काफ़ी अच्छी है, मतलब क्या बोल लो, होने वाली है, अच्छी नहीं है, पहले देख नहीं सकते ना आप क्या कि गेम प्ले कैसी होने वाली है। आई होप कि अच्छी हो, अच्छी हो तभी मज़ा आता, नहीं तो नॉर्मली तो क्या बोल दें। जिस हिसाब से मैंने स्टार्टिंग पे देखा था ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदे थे यार, मतलब
कम से कम बोला जाना 5-6 स्क्वाड तो यहाँ पे लैंड की थी, बट यहाँ पे अभी एक भी बंदा, आई थिंक एक बंदा यहाँ पे फायर किया था जब भी जब मैं ऊपर साइड था, बट वो बंदा भी दिखाई नहीं दिया भाई साहब कि कहाँ पे है वो बंदा। और 3 किले हैं और बंदे अभी हमारे पास क्या, बंदे भी कम बचे हैं यार। मतलब जब भी कोई रिकॉर्ड तोड़ने की बात करें तो उसी टाइम हमारा ये बैड लग होता है कि बंदे ही नहीं बचते। और यहाँ पे कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है, मिल जाएगा तो बेटर होगा, नहीं मिलेगा तो भी देख लेंगे गाइस क्या होगा। बस आपको गेम प्ले में बने रहना भाई साहब, कैसा मजा आएगा देख लेंगे अपन। और भाई साहब सामने बंदा, अभी गलत सीन हो गया भाई साहब, लूअर कवर बंदा यहाँ से रस करेगा, देख लेंगे अपन। ओके चलो डैमेज, चलो मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से बंदे को हाई तो कर दें, क्योंकि कुछ अच्छे बंदे होते हैं ना तो उनको हाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादा उचकते फुदकते रहने तो उनका उचकना फुदकना अपना कम कर सकते हैं अपन जो स्किल है ना उसको, उनको मार कर तो वही कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। और अच्छी खासी फ़िलहाल 4 किलो चुके हैं। और इसके पास क्या था पहले देखे, दोनों मेरे आई थिंक साइलेंसर था, साइलेंसर मारा था, बट इसके पास ज़्यादा कुछ है नहीं भाई साहब। M18 क्या ले लें, M10 लेने हैं? नहीं 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 सर जी, सीन गलत हो जाएगा, चलो ये ले लेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या ना M18 में जो मतलब लोडिंग पीरियड पे होता है ना तो कोई अच्छा बंदा होता है तो वो पे लेता आके हमारे, हमें और वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमें कोई बंदा आके पेल जाए और हम बस देखते रहें। लूट लूट लूट, कितना लूट करेंगे, 2 ग्लूअल और 1 लैंडमाइन और आई थिंक 2 से 3 ग्रेनेड है मेरे पास, जो शायद गेम प्ले को काफ़ी बेटर बना सकता है, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। और फिलहाल तो 4 किल हैं, ज़्यादा किल नहीं है शायद इस हिसाब से, इस गेम प्ले पे ज़्यादा किल नहीं होगा मेरे हिसाब से, लेवल 3 का वेस्ट। एंड चलिए गाइस ज़्यादा कुछ है नहीं तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्लिप पे, नेक्स्ट क्लिप होने वाला है OP। और आ चुके हैं नेक्स्ट क्लिप पे, नेक्स्ट क्लिप पे है कि सबसे पहले हमने क्लॉक टावर पर लैंड किया, क्लॉक टावर पर लैंड करने के बाद कोई बंदा नहीं मिला, लेकिन आई थिंक यहाँ पे बंदा मिल जानी चाहिए, क्या लगता है? और भाई साहब शैतान का नाम शैतान हाजिर, 190-130 ऐसे कुछ डैमेज, और ये एक गोली का बस। ओके चलो M10 आज कुछ ज़्यादा चल रही है भाई साहब, चलो इसका किल ले लें पहले, तो इसके बाद बात करेंगे भाई साहब। और यहाँ पे ग्लोबल बेचा, ओके भाई साहब ये बंदे को मैंने डैमेज नहीं दिया था, बट कोई और बंदे डैमेज दिया था इसे शायद, तो वो गया। चलो 2 बंदे डाउन हैं, मतलब 1 बंदा डाउन है, 1 बंदे को तो मैंने पूरा ले लिया, 1 बंदा बस बचा है, 1 बंदा पता नहीं किससे लिए हट गया, तो ये शायद जाएगा मेरे हिसाब से, वो बंदा यहीं पे यार शायद मेरे फील्ड में चला जाएगा भाई साहब, लग रहा है ऐसे ही जाएगा। चलो 1 बंदा डाउन, 1 बंदा और डाउन, उसके भी पूरी टीममेट मतलब 2 बंदे को खा गया मैं। यहाँ पे एक बंदा था भाई साहब तो चला गया क्या यार, शायद मेरे हिसाब से मेरी किल चली गई भाई साहब। ओ भाई नहीं, रिवाइव हो गया था। चलो चाचा फुर्सत में निकलो, पहली फुर्सत में, बहुत ज़्यादा बंदे तो जल्दी से किल लेके अपन निकलना होगा भाई साहब। चलती है क्या, 9 से 12, चलो 3 किल हमारे हो चुके हैं, 1 स्कॉट के 3 बंदों को ले चुके हैं, 1 ही बंदा बस बचा है, बट वो बंदा कहाँ है ये चीज़ें नहीं पता। आई थिंक मेरे से बंदा ऊपर होनी चाहिए, बट हमारे पास ग्लोबल 1 ही है और 1 ग्लोबल से अपना काम नहीं चलने वाला है। 16 स्क्वाड में मिनिमम तो भाई सब 4 से 5 ग्लोबल आपको चाहिए, तभी जाके आप 16 से, वैसे ऐसा नहीं कि वो मेरा वन थॉट है कि मेरा मतलब इतनी ग्लोबल होनी चाहिए, हर कोई का अलग अलग होता है। कभी कभी कोई बंदा हमारे स्क्वाड में, एक बंदा था शोल शुभम, उसकी जो मेंटलिटी थी आखिरी सांस तक अगर 1 HP बचा हो तो उसका जो टारगेट था ना बंदे को मारना ही था और कोई टारगेट नहीं था। बट इन केस कुछ केसों की वजह से वो हमारे स्क्वाड से चला जा चुका है, बट कोई नहीं, बात होती है उससे। और अगर वो वीडियो देख रहा हो तो भाई साहब कमेंट कर देना यार, क्या बोल दें, ज़रूर देखेगा वीडियो भाई साहब, क्योंकि वो लेवल के मैं सारी वीडियोज़ देखता है, क्योंकि पहले इसका पार्ट रह चुका है भाई बंदा। चलो गाइस आगे देखते हैं, यहाँ पे तो 1 बंदा था, तो एक बंदा तो पता नहीं किस एरिया पे है, बट 1 बंदे के चक्कर में अपन नेक्स्ट वाला जो किल है ना वो छोड़ नहीं सकते। पूछी नोक पे आई थिंक मेरे उससे बंदे होने चाहिए, और 1 बंदा यहाँ से भागते हुए आ रहा है। चलो इसको अगर भनक भी ना पड़ी हो ना तो अपन ले लेंगे इसको, बंदे को अच्छे खासे, और बस ग्लोबल राइट पर ना लगा दे। चलो चल चल चल, डाउन हो जा प्लीज़। चलो
ग्लूअर बहुत आगे लगाया था बंदा इस वजह से। अब मेरे जैसे हाल ही है, मतलब काफ़ी आगे ग्लूअर लगता है तो बंदा पीछे रह जाता है भाई, और फिर वो रह जाता है ना। और चलो सबसे पहले इसके पास बंदा भी आ जाएगा मेरे साथ, ग्लूअर ले लेंगे, उसके बाद बात करते हैं और सेकंड से किल हो जाएगा। एंड किल तो हो ही गया, एंड स्कैनर भी आ चुका है इस करेक्ट टाइम पे। तो इस ये भाई ये बंदा मेरे हिसाब से सबसे ऊपर है कि फैक्ट्री के ऊपर यार, बट पीछे से ये फाइट ना कर दे, ये इससे थोड़ा बचना पड़ेगा, बिकॉज अगर पीछे से आ गया तो ये हमें ग्लोबल फिर से लगी, मतलब बंदा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या करने वाला है भाई साहब बंदा, एक ही ग्लूवर चल रस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। और अपने पास डीजे लोग का पावर एंड, अब कौन सी गन हाथ में आ गई, चूती सर। चल चाचा जी आदम चाचा थे, कौन चाचा थे आई डोंट नो यार, बट मेरे को ग्लूवर की सख्त ज़रूरत है। ग्लूवर चाहिए अपने को भाई साहब, बिकॉज ग्लू बिना ग्लूवर अपन कुछ कर नहीं सकते। एंड यहाँ पे एक बंदा है जो भाग रहा है, मेरे एक बंदा पीछे यार, पीछे भी बंदे भाई सब। तो सबसे पहले पास वाले बंदे को निपटाओ शुरुआत से स्क्वाड में, वो बेटर होता है, बिकॉज नहीं तो पीछे से आके पे यहाँ पे फाइट हो रही, तो ऊपर थर्ड पार्टी बनने वाले हैं। शुरुआत से स्क्वाड में थर्ड पार्टी बनने का कैसा एक्सपीरियंस, अरे ग्लूवर हमारे हाथ में चुका तो बहुत, जो बहुत ही सही बात है। डबल डोर की उस साइड फाइट हो रही है, क्या पता अभी सामने बंदा भाई क्या अलग ही सस्ती मस्ती कर रखे हैं लग रहा है। चलो इसको लेकर उसके बाद बात करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी बंदे हैं तो भाई देख के चलना पड़ेगा यार यहाँ पे, क्योंकि पूरी यही स्क्वाड है ना, तो और मैं अकेला कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा डैमेज हो सके उतना दूंगा, बट अभी तक फ़िलहाल कोई बंदा नहीं। ग्रेनेड कर देते हैं, टाइमिंग सेट नहीं करते कि बता, बंदा अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो चलो मेरे हिसाब से तो लग रहा है आई थिंक बंदा ऊपर ही है यार। तो मतलब M1887 तो सॉरी मतलब M14 विद रेंज कोर के साथ, M14 बहुत जहरी गन हो रही है आजकल, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते इसमें, इतनी अच्छी खासी डैमेज जाती है। यहाँ पे भी चलो ग्रेनेड डाल देते हैं, क्या पता मिल जाएगा थोड़ा बहुत कुछ अच्छी चीज़, क्या अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ें कुछ नहीं होती। अब एक बंदा रस कर, आई थिंक मेरे डबल वैक्टर वाला बंदा है, तो बच के खेलना पड़ेगा, तो नहीं है नहीं, नहीं। चलो बंदा डाउन हो गया, चलो भाई चलो चलो गेम रिस्टार्ट मत करो, बट लाइक दो भाई ये डबल वेक्टर वाला मेरे हिसाब से लग रहा वो होगा, बट डबल वेक्टर वाला तो ये, और डबल वेक्टर वालों के हाथ चल। चलो बंदे को चकमा देकर अपन निकाल चुके हैं यहाँ पे, और मेरे हिसाब से बंदा फिर से आ जाएगा आई थिंक, आनी तो चाहिए। डबल वेक्टर बहुत डेंजर होता है भाई साहब, डबल वेक्टर नहीं, यहाँ से भागना पड़ेगा, वही सही है, बिकॉज यार यहाँ पे अगर रहे ना तो हम फैल जाएंगे, क्योंकि डबल वेक्टर का डैमेज और हमारा एक डैमेज बहुत ज़्यादा ये करेगा, और ऊपर आएगा जब तक अपन मेडिकेट कर लेते हैं ये तो आगे बढ़ेंगे। चल बेटा पहली फुर्सत में निकल, ऊपर हम मत आओ यार, जब शुरुआत से स्क्वाड अगर कोई बंदा खेल रहा हो तो भाई प्लीज़ मत आओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरा होता है, बहुत डेंजर होता है सामने वाले स्क्वाड के लिए। और क्या बता दूँ अभी के हाल पे कि क्या बताऊँ कि फ़िलहाल शुरुआत से स्क्वाड बहुत दिनों बाद नहीं खेले, आजकल लाइव स्ट्रीम चल रही है, तो लाइव स्ट्रीमिंग पे कभी कभी शुरुआत से स्क्वाड खेल लेते हैं, सोलो स्क्वाड मैच भी खेल लेते हैं। और आज मैंने 2-3-4 टूर्नामेंट खेले, टूर्नामेंट का एक्सपीरियंस भाई कतई जहर होता है, ये चीज़ तो मानता हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप जब किसी टूर्नामेंट में जाओगे ना, और जिसमें खुद का पैसा लगाओ, तो उस टाइम वो टूर्नामेंट ऐसा लगता है कि मतलब जीत नहीं है या फिर कुछ, मतलब फर्स्ट बार जब टूर्नामेंट खेला आज के, तो मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बड़ी हुई थी कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं पहले सोच के लैंड किया था कि हाँ भाई मतलब नॉर्मली खेलना है, अपने बंदों को दिखाना है कि गेम प्ले कैसा है, बट जब वहाँ पे लैंड किए उस सिचुएशन में रहे तो काफ़ी चीज़ें मायने रखती है। इसलिए जो ई स्पोर्ट्स के प्लेयर होते हैं काफ़ी हद तक मेहनत करते हैं वो लोग, मतलब उनके जो मेहनत होते हैं वो तो मानते हैं भाई साहब, अपन नॉर्मली बोल देते हैं ना कि ये है वह है जो भी एक्स वाई जेड, बट एक टूर्नामेंट में जब आप एंट्री लोगे तब पता होता है कि भाई साहब क्या सीन होता है वहाँ पे। मैं सही में एक्सपीरियंस करता हूँ, और सामने यहाँ पे बंदे हैं, पहले वो चीज़ देख लेते हैं, बंदे देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे भाई साहब। ओके चाचा जी यहाँ पर 3-4 स्क्वाड, मतलब 3 बंदे हैं, एक को भी नहीं लपेट सकते क्योंकि साइलेंसर नहीं है, और यहाँ पर सामने फाइट हो रही है मेरे हिसाब से। चलो एक आपको नहीं मिलता है, एक बंदा डाउन हो चुका है उन लोगों का, चलो तीनों मतलब सारे बंदों को ले लिया हूँ यार, और एक बंदा वहाँ पर पड़ा, और ये बंदा मेरे को डैमेज दे रहा है चाचा जी, वो बंदे को ले लिया यार बंदा हद है। कोई नहीं गाइस अपने हो चुके हैं अच्छे खासे
10 किल और 10 किल और अभी बचे बंदे काफ़ी है, तो आई होप मेरे हिसाब से 14-15 किल तो जा सकते हैं इजीली, क्योंकि जिस हिसाब से अपना गेम प्ले चल रहा है, M10 चल रहा है, M10 तो आज कुछ जहर ही मचा रहा है भाई सब, क्या बोलते हैं। वेस्ट नहीं है अपने पास वेस्ट, क्योंकि पूरा का पूरा डैमेज है, कुछ मिल जाए वेस्ट वगैरह ना तो बेटर हो जाएगा। और यहाँ पे 3 बंदे मारे, तो जहाँ पे एक साथ मरे तो वो दिक्कत जाती है लूट करने पे और बहुत सारी चीज़ों पे। और यहाँ पे क्या है, कुछ ज़्यादा कुछ ही नहीं, 2 गोली वाली 2 मुंडी वाली शॉट गन चलो यहाँ पे मिल चुका है मेरे को। ये क्या तो कहते हैं वेस्ट रिपेयर किट, तो रिपेयर किट से अपन रिपेयर कर चुके हैं। और बंदा अगर ये करेगा तो ग्लूवर डाल देंगे, नहीं तो अदरवाइज अपन ऐसे ही रहेंगे। चलो बंदा कुछ नहीं किया, अरे यहाँ पे है बंदा तो क्या करने वाले हैं, लेट्स सी गाइस। चलो इमोट दिखा के मारते हैं, चलो ओके चलो आजा बेटा इमोट, थोड़े डांस डांस बन गए। अरे हाथ में कुछ गलत गलत लूट गया, मतलब आजकल इमोट वाला जो सीन चल रहा है ना हमें भी आता है भाई साहब इमोट वाला सीन। तो चलो नीचे वेस्ट Level 4 का वेस्ट वो ले लेंगे, उसके बाद बात करेंगे। इमोट वाला सीन कुछ हमें भी आने लगा है आजकल, तो वो ट्राई कर लेते हैं, बट रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। आपके पास अगर फुल्ली आप एक मतलब ट्रेनिंग ले चुके हो, उसकी ट्रेनिंग नहीं मतलब ट्रेन हो तो आप कर सकते हो, बट अदरवाइज मत करो, क्योंकि सोलो ऐसे स्क्वाड में बहुत ज़्यादा टफ होता है यार भाई साहब। और फिर आज वैसे तो 11 किल हो चुके हैं, सामने भी बंदे हैं, मतलब बंदे ही बंदे, जिस साइड देखो बंदे ही बंदे। चलो इसको देख लो, ड्रैग कहीं नहीं जा रही भाई साहब, और बंदे तो काफ़ी डैमेज है, रेस्ट करने के लिए सही टाइम है, क्योंकि भाई साहब इसके आसपास भी बहुत बंदे, मतलब पूरी स्क्वाड है क्या इसकी, एक पूरी फौज बैठ पड़ी है शायद मेरे सबसे यार, क्या बोल रहे हैं। ये बंदा है कहाँ, ऊपर भी नहीं है भाई साहब, ऊपर भी नहीं है यार, तो बंदा है गया कहाँ यार, मतलब अभी तो था यार। चलो कोई नहीं, ऐसी कहा तो मिल जाए ना तो काफ़ी सही हो जाएगा अपने को। अरे बंदा मार कहाँ से रहा भाई, अच्छे पीछे वाले बंदे मार रहे मेरे को, कोई नहीं गाइस यहाँ से मेरे हिसाब से लग रहा है यहाँ से निकलना ही सही है, बिकॉज यहाँ पे अगर बंदे अपन फंस गए ना तो पूरी की स्क्वाड अगर अपने ऊपर रस कर दी तो अपना अच्छा खासा गेम जो है ना वो श्यामत कहते हैं ना, क्या कहते हैं जब जो भी गए उस पर बदल जाएगी भाई साहब। इतनी अच्छी खासी गेम प्ले चल रही है, 11-11 किल के साथ है, और ऐसे अच्छे खासे किल भी करेंगे, बट अपने को बैक लेना थोड़ी कभी कभी ना जिगजैग मूवमेंट भी काम आती है डैमेज ना जाने के लिए, बिकॉज वहाँ पर 4 बंदे डैमेज देंगे, किसी न किसी के डैमेज बहुत दे जाए, किसी क्या पता हेड शॉट लग जाए भाई साहब, होता है यार, मतलब एक बंदा रस्ता है चलो उसके लिए हेड शॉट नहीं पड़े, अगर हेड भी पड़ जाते हैं, 2 हेड पड़ जाते हैं ना इसके तो काफ़ी सही था। चलो अपने देख लेते हैं, ग्रेनेड तो है भाई, ग्रेनेड कर देते हैं कोई नहीं। ओ भाई साहब चलो डैमेज भाई 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 क्या अभी सामने बंदे, अभी क्या चल रहा है भाई, लोचे लोचे चल रहे हैं भाई, ग्रुप लगाए हैं। सो गाइस गए सब कुछ खत्म, आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।